हेलो स्टूडेंट्स टुडे दिस वीडियो इज़ अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड इट स्टूडेंट्स स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना और लाइट का फैलना उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेकिन लाइट फैलती क्यों है उसके पीछे कारण क्या है तो जब भी लाइट रेज हमारी सन से ट्रैवल करके हमारे अर्थ एटमोसफेयर में आती है तो अर्थ एटमोसफेयर में एटम का मॉलिक्यूल का डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट की प्रेजेंस की वजह से वो लाइट उनसे टकरा जाती है और टकराने के बाद वो लाइट क्या होती है चारों दिशाओं में फैल जाती है और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल आप घर पर भी करके देख सकते हो आप एक टॉर्च लो उस टॉर्च को जब जलाओगे और उस टॉर्च को आप किसी एक पॉइंट पे मार रहे हो तो क्या वो लाइट वहीं उसी पॉइंट के अक्रॉस ही रहती है नहीं ना वो सारी डायरेक्शंस में उस पॉइंट के सारी डायरेक्शंस में साइड में ऊपर नीचे साइड में फैल जाती है उसी फिनोमिना को बोलते हैं हम स्केटरिंग ऑफ लाइट और जिस पार्टिकल से या जिस एटम मॉलिक्यूल से वो लाइट हमारी टकराई है उस पार्टिकल को बोलते हैं हम स्केटरर स्कैटरर सो अगर यहाँ पे अब हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट की स्कैटरिंग पॉसिबल है हुई है या नहीं या फिर लाइट स्कैटर नहीं हुई है अगर पार्टिकल का साइज या हम कह सकते हैं स्केटरर का साइज स्केटरर का साइज लाइट की वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ से छोटा है लेस लेस देन लेमडा तब तो स्केटरिंग पॉसिबल होगी वरना स्केटरिंग नहीं होगी अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट से तो रिले स्कैटरिंग नॉट वैलिड नॉट पॉसिबल लॉर्ड रिले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो लाइट जो स्केटर्ड लाइट होगी मतलब टकराने के बाद जो लाइट आएगी स्कैटर्ड लाइट उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट उसकी पावर फोर होगी मतलब जितनी ज़्यादा लाइट की वेव लेंथ होगी इंसिडेंट लाइट की उतनी ही कम इंटेंसिटी होगी और जितनी कम वेव लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वेव लेंथ का मतलब लाइट की वेव जितनी दूर से वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी वो लाइट उतनी ही कम ब्राइट नजर आएगी और जितनी पास से अगर हम टॉर्च मारेंगे उसकी स्कैटर होने की इंटेंसिटी स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने वेरीफाई कंक्लूजन दिया एक्सपेरिमेंटली उन्होंने उसको वेरीफाई किया बाय टिंडल तो टिंडल एक एक्सपेरिमेंट है जो कि टेंथ क्लास के सिलेबस में नहीं आता उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वी ओनली स्टडी अबाउट टिंडल इफ़ेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉट इज टिंडल इफेक्ट सो टिंडल इफेक्ट इट इज़ द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट का स्कैटर होना किसकी वजह से वायदा कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट फॉर एक्जाम्पल अगर सन की लाइट फॉरेस्ट के अंदर सन की लाइट तो सभी जगह आती है फॉरेस्ट में आ रही है लेकिन ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होने की वजह से वो उसकी अर्थ तक उसके ग्राउंड तक नहीं पहुँच पा रही लेकिन जहाँ पे भी स्पेस है उन ट्रीज़ के बीच में वहाँ पे पार्टिकल्स भी हैं पार्टिकल्स से टकराने के बाद वो सारी कैनोपी में फैल जाती है दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ टिंडल इफ़ेक्ट सिमिलरली अगर हम एक रूम है और उस रूम में एक छोटा सा होल कर दें वहाँ से लाइट हमारी जारी है तो लाइट के एंटर होने के बाद उस रूम के अंदर अगर हम देखें तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं डस्ट पार्टिकल्स वो किसकी वजह से स्कैटरिंग की वजह से क्योंकि लाइट उस रूम में एंटर करी उस रूम में डस्ट पार्टिकल्स थे उनसे वो टकराई और टकराने के बाद वो लाइट स्कैटर हो गई सारी चारों तरफ हमें दिखने लग गए वो पार्टिकल्स ड्यू टू तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिंडल इफ़ेक्ट सो देआर आर सम फिनमिना जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट सो फर्स्ट फिनोमिना इज़ ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई स्काई का कलर हमें ब्लू क्यों नज़र आता है स्काई का कलर हमें ब्लू इसीलिए नज़र आता है क्योंकि सन से जो लाइट हमारे एटमोसफेयर के अंदर ट्रेवल करके आती है एटमोसफेयर में पार्टिकल की प्रेजेंस होने की वजह से वो चारों दिशाओं में फैल जाती है लाइट की स्कैटरिंग हो गई जो पार्टिकल का साइज़ है वहाँ पर वो एक्स वो बहुत ही लेस है द जो लाइट सन से आ रही है क्योंकि सन अर्थ से बहुत दूर है सन से जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल के साइज़ से बहुत ही उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इट मीन्स यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि स्कैटरिंग पॉसिबल है अब स्कैटरिंग पॉसिबल है तो हम देखें विबग्योर वी आई वी जी वाई ओ आर विव ग्योर के अंदर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन स्काई हमें कैसा नजर आता है ब्लू कलर का इट मीन्स जो ब्लू इट मीन्स जो स्केटर लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि पूरा स्काई हमें ब्लू नज़र आ रहा है तो इंटेंसिटी स्केटर लाइट की ज़्यादा होने के लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए और वेवलेंथ किसकी कम होती है वॉयलेट कलर की लेकिन वॉयलेट कलर एक ऐसा कलर है जो कि आंखों को चुभता है पिंच करता है अगर आप देखो कलर ब्लू ग्रीन इंडिगो वॉयलेट तो इन कलर्स में से जो आंखों के लिए सेंसिटिव कलर होगा दैट इज़ ब्लू कलर वॉयलेट कलर जो कि सेंसिटिव नहीं होता आइज़ के लिए इसलिए हमें क्लियर स्काई जो हमें स्काई होता है वो कैसा नज़र आता है ब्लू कलर का क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और आँखों के लिए वो सेंसिटिव होगा इसीलिए ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई अपीयर्स सो द नेक्स्ट फिनमिना इज़ वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्लाउड का कलर हमें वाइट क्यों नज़र आता है सो so अगर एज कम्पेयर टू एज़ कंपेयर टू स्काई जो क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ से इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं होते मच लोअर हाइट पे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ से जो लाइट आई वो टकराएगी जो पार्टिकल से उन पार्टिकल का साइज ग्रेटर होगा देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और वो वेवलेंथ लेंथ कहाँ से आई है क्लाउड से लाइट जो इंसिडेंट हुई है क्लाउड से इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पार्टिकल के साइज बड़े होने की वजह से जो वे वजह होने से जो स्कैटरिंग होगी वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि क्लाउड्स मच लोअर हाइट पे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ लोअर हाइट पे जो पार्टिकल होंगे उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी और पार्टिकल के साइज़ ज़्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग नहीं होगी और स्कैटरिंग नहीं होगी इसका मतलब सारे कलर्स कंबाइन होके हमें एक मर्ज होने के बाद सारे कलर्स जब कंबाइन हो रही कंबिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा था कि जब सारे कलर्स कंबाइन हो जाएंगे तो हमें क्या देंगे वो वाइट लाइट तो हमें कैसा नजर आते हैं क्लाउड्स का कलर कैसा नजर आता है वाइट कलर का सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो नाउ फ्रॉम हेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अर्थ पे एटमोस्फेयर ना हो अगर अर्थ पे एटमोसफेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी स्कैटरिंग नहीं होगी इट मीन्स स्काई हमें कैसा नज़र आएगा ब्लैक चाहे दिन हो चाहे रात हो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एन सी आर टी का कि वाई द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब अबव द हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आ, ह्यूज हाइट की वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती और जिसकी वजह से स्काई हमें कैसा नज़र आता है ब्लैक कलर का नेक्स्ट फिनोमेना इज द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज कि क्यों हमें सन जब उगता है और जब डूबता है क्यों वो हमें रेड कलर का नज़र आता है तो अभी आपने कभी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती वेयर एज उसी सन को अगर आप दोपहर में देखो या दोपहर से थोड़े टाइम पहले या बाद में देखो तब वो सन बहुत तेजी से तम, चमकता है मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है तो इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट की क्या हो गई कम कब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे कम इट मींस क्या हो गई वेवलेंथ ज्यादा है और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है रेड कलर की तो जब सन नियर द हॉरिजन जब राइज होता है एंड सेट होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है उस टाइम सन की अर्थ से देखें तो सबसे ज्यादा लाइट की वेवलेंथ होती है और ड्यू टू वेव लेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की होती है रेड कलर की तो ड्यू टू लार्ज वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज लेस इसीलिए सन हमें सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम रेड कलर का नजर आता है एक और यहाँ पे एप्लीकेशन है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड आपने देखे होंगे डेंजर सिग्नल्स मतलब ऐसे क्रॉस रेड कलर का क्रॉस बनाते हैं क्यों वो रेड कलर के होते हैं इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द फिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनको रेड कलर का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इन रेड कलर की क्या होती है वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है पार्टिकल का साइज कम है अर्थ के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो कम है जिसकी वजह से स्केटरिंग पॉसिबल है और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई वो कम हो गई तो स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी कम होने की वजह से वो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी दिखता है रेड कलर क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इंटेंसिटी कम है इंटेंसिटी कम होने की वजह से हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस से भी देख सकते हैं जिस जिसकी वजह से ज़्यादातर डेंजर सिग्नल ज़्यादा क्या ऑलमोस्ट सभी डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं रेड कलर से पेंट किए जाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट